दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को किडनैप कर लिया गया था और उन्होंने अपनी मौत को सिर्फ 15 फीट की दूरी से देख लिया था। गौतम की किडनैपिंग की कहानी आपको किसी भी फिल्मी कहानी की तरह लगेगी। कोई अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी के आगे एक स्कूटर खड़ा हो जाता है। वैन में से कुछ लोग निकलते हैं और उसको किडनैप करके ले जाते हैं। आपको ये किसी फिल्म की कहानी लगी ना? डेफिनेटली ऐसा ही गौतम के साथ भी हुआ था, जिसकी उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की। फिर पता चलता है इस किडनैपिंग के पीछे फजलुर रहमान का हाथ था और उसने ये सब फिरौती के लिए किया था, जिसकी कीमत थी $1.5 मिलियन। ये केस करीब 25 साल पुराना यानी 1998 का है, जिसके बारे में गौतम अडानी आज भी बात करते हैं। और इस केस में करीब 6 से 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। गौतम अडानी इसको अपनी जिंदगी के उन 2 दिन बुरे एक्सपीरियंसेस में काउंट करते हैं, जिनको वो कभी नहीं भूल सकते और आखिर कोई कैसे ही भूल पाएगा। पर ये पहला केस नहीं था जब गौतम अडानी की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। 26/11 का इंसिडेंट आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, जब ताज होटल में 160 लोगों ने टेररिस्ट के हाथों अपनी जान खो दी थी। उस दिन उस होटल में गौतम अडानी भी शामिल थे। उनका कहना है कि टेररिस्ट के हाथों हुए पहले ओपन फायर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और फिर होटल स्टाफ उनको रेस्क्यू करके बेसमेंट में ले गया था, जहां पर कोई सोफे के ऊपर बैठा था, कोई सोफे के नीचे, और सब अपनी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे और गौतम अडानी भी उनमें से एक थे। उनका कहना है वो आज भी जब उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने अपनी मौत को सिर्फ 15 फीट की दूरी से देखा था और उस इंसिडेंट को ना वो कभी भूल पाएंगे और ना ये देख। आप गौतम अडानी के इन एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखो।